सतरंगी छठाएं बिखेरता खूबसूरत मंच, पुरानी दोस्ती दोबारा जीने की तमन्ना लिए इधर उधर तलाशती निगाहें, गुजरे वक्त की सुनहरी यादों को जिंदा कराते दोस्तों के उन्मुक्त ठहाके, शेर व शायरी और किस्सों में हंसी ठिठोली, इन सब यादगार पलों को सहेजे REI इंटर कॉलेज के वर्ष 1983 के पुराने छात्रों की एलुमनाई मीट हुई तो लगा ही नहीं कि जैसे 40 साल बाद एक दूसरे से मिले हों। दयालबाग स्थित आरजू फार्म हाउस में मां सरस्वती की पूजन से कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ। पूर्व विद्यार्थियों ने पंक्तिबद्ध होकर विद्यालय की प्रार्थना की। एलुमनाई मीट में ओपन माइक के तौर पर मौज मस्ती से भरे 3 सत्र, महफिले शायराना, महफिले गाना और महफिले गुफ्तगू का आयोजन हुआ। पूर्व छात्र अजय महाजन ने अपने समय के अध्यापक द्वारा पिटाई की किस्से साझा किए तो सभी की हंसी छूट पड़ी। सभी यार दोस्तों से 40 साल बाद मिलने के लिए तो मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और ये दोस्तों ने जो एफर्ट्स लगाए हैं सभी को इकट्ठा करने के, इन सभी को वाकई में दिल से थैंक्स। पूर्व छात्र पंकज सेठिया ने पुराने दोस्तों पर भरोसे को लेकर भाषण दिया तो सभी की आंखें भर आईं। प्रमोद शर्मा ने खूबसूरत शेर पढ़े तो महफिल का माहौल शायराना हो गया। पूर्व छात्र गुरसरन ने मस्ती भरे अंदाज में एक से बढ़कर एक पुराने गीत गाए जिस पर पूरा परिसर झूम उठा। विचारों की गंगा भी बही, सभी ने अपने यारों से जुड़ी अच्छी बुरी स्मृतियां बेबाकी से व्यक्त की। CA राजीव गोयल ने कहा कि यह एलुमनाई मीट अपने आप में खास रही, हमने अपने बचपन को दोबारा जिंदा किया, रोजमर्रा की भागदौड़ से निकल कर आज हम यारों के बीच और यारों के लिए यहां आए हैं। अब हर साल यह आयोजन होगा। उद्योगपति अतुल सिन्हा ने कहा कि इस बार एलुमनाई मीट में स्कूल के जमाने के दोस्तों ने खूब मस्ती की। सालों बाद बराबर में बैठकर पढ़ने वाले दोस्तों से इतनी गर्मजोशी से मुलाकात हुई, यह बेहद भावुक का आयोजन रहा। यहाँ पर हम लोगों ने ये गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया और हम लोग करीब 6 बजे से एकत्रित होके और अभी 10 बज रहे हैं और बहुत ही बढ़िया रहा। आगे हम और इस तरीके का प्रोग्राम आगे करते रहेंगे। 40 साल बाद हमने देखा कि जो स्टूडेंट हमारे साथ के थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना इंश्योरेंस का काम कर रहा है, किसी की इंडस्ट्री है, कोई प्रोफेसर है, मेरी वाइफ है प्रोफेसर है डॉक्टर अनुराधा गुप्ता मीडिया डिग्री कॉलेज से। ये एक मकसद ये भी है कि हम डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हैं और ऑल ओवर इंडिया से सब आए हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा मोटो लेकर चले, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हम स्टार्ट भी करें। कुछ सारे फ्रेंड्स ने मिलकर यहाँ पर स्कूल की यादें ताज़ा करी और एक प्रेयर होती थी उसको भी उन्होंने आज रिपीट करा। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में बैठकर, और ये जो कोशिश है आपकी डेफिनेटली सफल हुई है और आगे हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से साल में या 2 साल में इसी तरह से हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। दयालबाग में सालों से लोगों का घरौंदे का सपना पूरा करते आ रहे अश्विनी का कहना था कि अपने बीच पूर्व सहपाठियों को देखकर अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई। कुछ घंटों के लिए उनका साथ बेहद सौभाग्य का विषय रहा। अगले साल मीट का आयोजन दोगुने उत्साह से किया जाएगा। 40 साल बाद हम सब लोग मिले, कुछ तो पहचाने हुए चेहरे थे लेकिन कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल बदल गए। छात्र मनोज उपाध्याय ने कहा कि जब स्कूल के पुराने दोस्त मिलते हैं तो वे तमाम बातों को याद कर खुश होने का मौका ढूंढ लेते हैं। वो आपकी मोहब्बत की नाकाम कहानियों पर हंसी उड़ाते हैं, पर आप उनसे परेशान होने की जगह हंसते हैं।
आपकी तरक्की पर खुश होते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाते हैं या आपको प्रमोशन मिलता है, तो स्कूली दोस्तों को सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारी दोस्ती तब की होती है जब हमारे अंदर आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। मीट में सभी पूर्व छात्रों ने अपने पुराने साथियों के साथ सेल्फी ली। कार्यक्रम के अंत में वहां मौजूद कुछ पूर्व छात्र भावुक हो गए, तो कुछ पुराने साथियों को कार्यक्रम के अंत में पहचान सके। वे बोले कि लंबा समय बीत गया है, इस वजह से दोस्तों को पहचानना कठिन हो गया था। इस मौके पर पूर्व छात्रों ने संकल्प लिया कि वे उस विद्यालय को और अधिक हरा भरा बनाने में सहयोग करेंगे, जिसमें उन्हें स्वर्णिम भविष्य बनाने का मौका मिला। प्रधानाचार्य से मुलाकात कर विद्यालय में पौधारोपण की मंजूरी लेंगे, जिसे जो फल पसंद हो वह उसी के पौधों का रोपण करेगा। समापन पर संजीव साहनी ने दूर दराज से आने वाले साथियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संयोजन हनीराज सिंह कटारिया ने किया। सी न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।